न्यूजीलैंड दौरे के लिए टीम इंडिया का ऐलान आज। इन खिलाड़ियों पर सभी की नजरें। न्यूजीलैंड के 6 हफ्ते के आगामी दौरे के लिए भारत की सीमित ओवर की टीम में ज्यादा फेरबदल की उम्मीद नहीं है। इसमें एकमात्र बदलाव ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को शामिल करना हो सकता था, लेकिन वे अनिवार्य फिटनेस परीक्षण में विफल हो गए हैं। भारतीय टीम 24 जनवरी से शुरू होने वाले दौरे में 5 T20 अंतर्राष्ट्रीय 3 ODI और 2 TESTMATCH खेलेगी। इस दौरे के लिए टीम का चयन रविवार को किया जाएगा। इस साल ऑस्ट्रेलिया की मेजबानी में T20 विश्व कप खेला जाना है। इसे देखते हुए चयनकर्ताओं का मुख्य ध्यान सफेद गेंद के क्रिकेट के लिए अहम खिलाड़ियों के चयन पर लगा होगा। श्रीलंका के खिलाफ हाल में समाप्त हुई सीरीज में खेलने वाली T20 टीम के खिलाड़ियों का चयन तय ही है। पहले ही ये टीम के साथ न्यूजीलैंड पहुंच चुके पांड्या के 2 ODI अभ्यास मैचों के अलावा न्यूजीलैंड के खिलाफ लिस्ट ए के 2 मैचों में फिटनेस साबित करने के बाद टीम में शामिल किए जाने की उम्मीद है। पीठ की चोट के कारण 4 महीने से टीम से बाहर चल रहे पांड्या की वापसी का अनुमान लगाया जा रहा था, लेकिन फिटनेस टेस्ट पास नहीं कर पाने से संकेत है कि हाल ही में हुई सर्जरी के बाद उन्हें पूरी तरह फिट होने में समय लगेगा। BCCI के एक सीनियर अधिकारी ने शनिवार को कहा था कि हार्दिक के बारे में सिर्फ यही देखना है कि वे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के लिए पूरी तरह से फिट हैं या नहीं। वह भारत की विश्व T20 योजना के लिए बहुत अहम है। जाधव के लिए राह मुश्किल, यह देखना भी दिलचस्प होगा कि वनडे टीम और T20 टीम एक सी होंगी या नहीं। वनडे टीम की सबसे कमजोर कड़ी केदार जाधव हैं, जो दबाव के बावजूद 50 ओवर की टीम में अपना स्थान बरकरार रखे हैं। न्यूजीलैंड में जाधव की तकनीकी खामियां सामने आ सकती हैं और हाल के दिनों में ज्यादा ओवर नहीं खेलने को देखते हुए उन्हें टीम से बाहर किया जा सकता है। भारत ए टीम का दौरा भी सीनियर टीम के दौरे के साथ ही हो रहा है, तो चयनकर्ताओं के पास जरूरत पड़ने पर खिलाड़ियों को तुरंत शामिल करने का विकल्प होगा। रिजर्व ओपनर की होड़ में राहुल गेल अगर टीम तकनीकी मजबूती के पहलू को देखती है तो अजिंक्य रहाणे वापसी कर सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो मुंबई के सूर्य कुमार यादव की आक्रामक बल्लेबाजी को देखते हुए 5वें या 6ठे स्थान के विकल्प के रूप में देखा सकता है। सूर्य और संजू सैमसन दोनों ए टीम में शामिल हैं। इन खिलाड़ियों पर सभी की नजरें जमी है। टेस्ट टीम काफी संतुलित दिखती है, जिसमें सिर्फ तीसरे सलामी बल्लेबाज के स्थान पर ही विचार किया जाना है। घरेलू सीरीज के लिए रिजर्व के तौर पर चुने गए युवा शुभमन गिल तीसरे सलामी बल्लेबाज के हकदार हैं, लेकिन लोकेश राहुल की मौजूदा फॉर्म और टेस्ट क्रिकेट में उनके अनुभव पर विचार किया जा सकता है। पृथ्वी शॉ का दावा फिटनेस पर निर्भर करेगा।